अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, हरी तैयार। मैं हूँ शादी उबासी और आप देख रहे हैं शादी उबासी। माशाल्लाह आज का मौसम कितना खूबसूरत है। आप देख रहे हैं आज का सीन, आज सीन चेक करें। माशाल्लाह आज तारीख है, माशाल्लाह सीन तो चेक करें। देखें सीन तो चेक करें, वाह आसमान की तरफ देखें, आसमान देखें जी, आसमान की वजह से सूरत हाल है कि आसमान बिल्कुल साफ सुथरा है। और देखें जी सीन कुछ ऐसे, माशाल्लाह जी आज जा रहे हैं जी एक नाना अबू की कब्र पे। मौसम की सूरत हाल बहुत खूबसूरत थी, और जो है ना गांव में मौसम तो आपको पता है, खैर जब धूप होती है और आसमान देखें जी, आसमान तो सीन तो चेक करें माशाल्लाह। यार यकीन मानो ना, जब यहाँ बंदा होता है तो घूमने का मज़ा अलग है, और ज़िंदगी जीने का ना एक माशाल्लाह जो है ना दिल खुश हो जाता है यहाँ पे। और चलो जो है ज़िंदगी के ये लम्हात इंजॉय कर रहे हैं, और साथ में मौसम गांव का देखें। ओ वाह मौसम VIP सीन चेक करें जी, ये देखें कश्मीर की खूबसूरती, हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है, और मौसम बिल्कुल साफ, बारिश के बाद ना मौसम ऐसा साफ सुथरा हो जाता है। चलते हैं जी, सफ़र सफ़र जारी रखा हुआ है, आस्ता आस्ता अभी पहुंच चुके हैं यहाँ तक जी। और जो है ना रास्ता इंतहाई कठिन है, शेब फराज से गुजर के जाना पड़ता है। तो माशाल्लाह यहाँ पे सीन तो आपके सामने ही है, वो सामने मरी का एरिया है, आसमान जो है ना बिल्कुल साफ़ सुथरा है, और उस तरफ थोड़े थोड़े बादल हैं। तो यहाँ पे मौसम की तो आपको पता है कि सूरत हाल कुछ ऐसी होती है कि कुछ खबर नहीं होती है कि एकदम जो है ना चेंज हो जाएगा। तो इस वजह से जो यहाँ पे मतलब कि मौसम के हवाले से कुछ कहा नहीं जा सकता, तो खातर खा तब्दीली तो होती रहती है। ये कश्मीर है, और कश्मीर में तो आपको पता है कि हर तरफ जो है ना ये तो आपको पता है कि यहाँ पे जब बंदा रहता है तो ऐसे मामलात और ऐसे मौसम जो हालात को बंदे को फेस करना पड़ता है। तो माशाल्लाह देखें इतने बड़े बड़े दरख्त हैं, बड़े बड़े ये हम लोग की अपनी जो है ज़मीनें हैं, और ये सारे ये दरख्त इतने बड़े बड़े दरख्त हैं, ये देखें यहाँ पे इतने बड़े बड़े दरख्त, इन दरख्तों की ऊंचाइयाँ, और ये हर तरफ जो है ना ये सब्जा ही सब्जा है, ये घास थे तक, ये जो है ना ये हम लोग मतलब कि जो हम घर में जानवर वगैरह रखते हैं मवेशी, तो ये उसके इस्तेमाल के लिए उनके इस्तेमाल में हमारे काम आता है। पहुँच चुके हैं कब्रिस्तान पर, भाई ने फातिहा कर लिए और अभी मैं फातिहा करूँगा। और हमारे नाना अबू की कब्र, ये गांव में हम लोग कब्रिस्तान ऐसे होते हैं। माशाल्लाह देखें जी हर तरफ ग्रीनरी है ग्रीनरी है, और ये वीरान सा एरिया जहाँ पे हम कब्रिस्तान वगैरह बनाते हैं, फातिहानी करते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है ना फातिहा के बाद फिर वापसी घर की तरफ निकल चुके, जिस रास्ते से आए थे फातिहा करके वापसी वही रास्ता पकड़ के जा रहे। तो माशाल्लाह ये कश्मीर का सीन है, यहाँ पे यार मौसम के बारे में कुछ कहा तो नहीं जा सकता कि यहाँ मौसम चेंज, ये अभी देखें थोड़ी देर पहले इतनी कड़क धूप थी और अभी धूप में थोड़ी मंदी हो गई है, मतलब कि आसार ऐसे लग रहे हैं कि बारिश होगी।
कना केड़ा अच्छा हाँ अच्छा तो भाई बता रहे हैं कि वहाँ पे नीचे जो बोर लगा हुआ था बोर हुआ था पहले वहाँ से पानी नहीं निकला था, अभी वापसी वहाँ पे 5-7 फुट नीचे खुदाई की है तो फिर तो वहाँ पे बोर से पानी अभी निकलना शुरू हो चुका है। तो सीन कुछ ऐसे हैं, देखें माशाल्लाह यार यकीन मानो ना ज़िंदगी ज़िंदगी में जब बंदे जो सुकून की तलाश है ना वो कश्मीर का एरिया ऐसा है, यहाँ पे आबो हवा भी मौसम है मतलब कि जो है ना मुतदिल है और अच्छा मौसम है इंजॉय करने वाला, ज़िंदगी के जो भी सुकून वाले दिन गुजारने होते हैं ना वो फिर हम लोग कश्मीर के लिए निकल आते हैं। कश्मीर ऐसी जगह है जहाँ पे आपको पानी साफ आबो हवा साफ और सबसे बढ़ के मौसम की सूरत हाल ऐसी होती है कि आपका जो है सुकून ही सुकून रहता है। तो बाकी आप सीन चेक करें तो इंशाल्लाह तमाम दोस्त दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि आप आ जाएं, ज़िंदगी में कभी भी अगर सुकून की तलाश के लिए निकलना हो या तनहा वक्त गुजारना हो तो आप कश्मीर की तरफ आ जाओ। कश्मीर एक ऐसी जगह है जिसे जो बड़े बड़े माहरीन हैं मुफसरीन हैं उन्होंने इसे जन्नत नज़ीर भी कहा है और हकीकत में ये हेवन है, हेवन पैराडाइज। और आप आ जाओ इंजॉय करो अपनी ज़िंदगी के लम्हात को, और बड़े बड़े मुफक्करीन ने ये अपनी किताबों में लिखा है कि अगर आपको सुकून की तलाश है तो अपनी जमा पूंजी में से कुछ पैसे खर्च करके पहाड़ों की तरफ निकल जाओ। और ये अकाब की एक सिफ्त है कि अकाब जब अपनी ज़िंदगी में सुकून के तलाश के लिए निकलता है तो वो पहाड़ों की तरफ चला जाता है और अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करता है। तो अकाब मतलब शाहीन ईगल, ईगल की ज़िंदगी को आप पढ़ो वो बिल्कुल तन्हाई की तरफ निकल जाता है और सुकून की तलाश के लिए वो पहाड़ों की तरफ चला जाता है। उसे मसाइब और आलाम तो बर्दाश्त करने ही पड़ते हैं क्योंकि वो ज़िंदगी के सुकून की तलाश में वो पहाड़ों की तरफ इस वजह से जाता है ताकि वो तो चलो उसे एक फितरी अमल है उससे गुजरना पड़ता है, मगर हमारा यहाँ पे रहना जो है ना वो एक अल्लाह ताला ने ऐसा हमें बनाया है आज़ाद कश्मीर और ये कश्मीर के जो पहाड़ हैं पहाड़ों में तो आपको पता है सहूलियात भी हैं उस हिसाब से, क्यों सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे पानी की जो है फरावानी है, बाकी और मामलात भी आपको पता है यहाँ पे हैं। चलो अगर सुकून के लिए तो फिर यहाँ पे आना पड़ता है हमें, और सबसे बढ़ के बात यह है कि हाँ बड़े बड़े बड़ी बड़ी जगह मैंने देखी हैं घूमने, हम ले गए हमने ट्रैवल तो खैर किया है कराची वगैरह भी गए हैं वहाँ पर भी हमने देखा है, मगर जो सुकून यहाँ पर है ना तो ज़िंदगी गुजारने का जो मज़ा यहाँ पे है वो बाकी मैंने परदेश भी काटा है वो भी देखा है, उससे सबसे अच्छी जगह यहाँ मुझे मिली। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो भी चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर दबाना, आप तक ऐसे खूबसूरत व्लॉग ऐसी खूबसूरत वीडियोस और इंफॉर्मेटिव जो हमारे से हो सके मालूम आपको देते रहेंगे। इसी पे वीडियो का इख्तिताम करते हैं, तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि लाइक ज़रूर करना। फी अमान अल्लाह।